রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ধরন বদলে গেছে অনেকটাই, যে কোনো ঘটনার সমাধানই থাকছে না কোনো জটিলতা। মঙ্গলবার রাতে এয়ারপোর্ট রোডের সোনার বাংলা হোটেলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন দুই ব্যক্তি। গুলিকাণ্ডে পুলিশ আটকও করেছেন দুজনকে। ঘটনার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজনকে আটক হয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবে পুলিশের সফল এই গুলিকাণ্ডে অনেকটাই বেশি, যার ফলে ত্রিপুরাবাসী নিরাপত্তার দিক থেকে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। এই ঘটনায় বুধবার জোরে সেখানে টলারেন্সের বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। मेरा पास जो डाटा है, मैं आप लोगों को बुला के एक दिन त्रिपुरा में जो लॉ एंड ऑर्डर वो डाटा आपको हम देंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगा और पब्लिक जानेगा कितना बेहतर बेटर है हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए, एक दो घटना तो घटी है, तो ये तो पुलिस, लेकिन मैंने बोल दिया है जहां भी कोई भी इस तरह कोई घटना हो, कड़ी से उसका तदंत करे और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह चलना चाहिए, कानून का राज है, वैसा एस्टेब्लिश करना है। इसमें कोई जीरो टॉलरेंस है हम लोगों के पास, हुआ है, पहले भी हुआ था, उसका पहले भी और ज्यादा बहुत ही ज्यादा हुआ था, उसका कंपेरिजन भी आपके सामने हम रखेंगे, कुछ ही दिनों में आप समझ में आएगा। और मैं पुलिस को निर्देश दिया, किसी भी जगह पर कुछ हम लोगों के तरफ से जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।